नमस्कार मित्रों, SGL भक्ति में स्वागत है आपका। आजकल मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि माताजी बताओ किसकी पूजा करें किसकी ना करें। हम विष्णु को भी भजते हैं, शिव शंकर को भी भजते हैं, हनुमान जी को भी भजते हैं, राम जी को भी भजते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं होते। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो लक्ष्मी की ही पूजा करें, या शिव की करें, या विष्णु भगवान की करें, या फिर हनुमान जी की करें। बस आप लोग यही तो गलती करते हो। जब लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ ना, शिव के पास क्यों जाते हो? जिसके पास पैसा नहीं होता उसको लक्ष्मीहीन कहते हैं या विष्णुहीन कहते हैं, बताओ? लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के ही पास आपको जाना पड़ेगा और इष्ट एक ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो, हनुमान जी की भी करते हो, भोलेनाथ की भी करते हो, फिर तो सभी यूँ सोचेंगे भाई वो भोलेनाथ की भी करता है तो भोलेनाथ देंगे उसको, मैं क्यों जाऊं? एक चीज़ आप 10 जनों से कह दो कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो हर कोई एक दूसरे पे टाल देगा, भाई आपकी भी तो करते हैं वो, आप जाओ। यदि एक के पास जाओगे आप तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ ये तो मेरा ही भक्त है, मेरे लिए ही समर्पित है, तो इसका काम मुझे ही करना है। तो देखो आप कैसे काम होते हैं आपके। आपको पैसा चाहिए लेकिन आप शिव के पास जा रहे हो, शिव भी तो लक्ष्मी जी से ही कहेंगे, शिव पहले पार्वती से कहेंगे, पार्वती जी लक्ष्मी जी से कहेंगी, तो आप सीधे लक्ष्मी जी के पास ही जाओ ना। माता इतनी करुणामयी हैं कि आपको इतनी दौड़ी दौड़ी आएंगी देखना आप, लेकिन इष्ट एक रखो आप। वैसे श्रद्धा सब में रखो लेकिन इष्ट एक होना चाहिए जो आपकी परवाह करे। अब आपको पेट में भूख लगी है तो माता से ही तो कहोगे आपके मेरे खाना खाना है, ये थोड़ी है तो आप पिताजी से कहोगे या भाई से कहोगे, अपनी माता से कहोगे माता मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप तो पिता से कह रहे हो, भाइयों से कह रहे हो, तो आपको खाना कैसे मिलेगा बताओ? तो यही भक्ति में फर्क होता है। देवताओं को जब जरूरत पड़ती है तो फटाफट माँ के पास जाके पुकार करते हैं। महिषासुर जब माता ने मारा था तो सभी देवता चुप गए थे उसके डर के मारे, लेकिन सब देवता फिर माता की शरण में गए तो माता एकदम वैष्णवी रूप से प्रकट हुई। तो आती है माता अगर आप बुलाओगे तो। एक मैं रहस्य आपको बताती हूँ कि हर इंसान के आगे पीछे 6 देवियाँ रहती हैं, 2 आगे 2 पीछे और 1-1 अगल बगल, तो उसकी सोच को देखती हैं वो, दिमाग से खाली हैं, जो वो इंसान सोचता है वो ही उसके कदमों में लाके वो डाल देती हैं। जैसे गरीब और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है, इसका कारण यही है। गरीब कभी अमीर होने के सपने ही नहीं देखता, अरे तुम राजी तो हो जाओ कि मुझे अमीर बनना है, मन से संकल्प तो करो आप, तभी तो माता आपको देगी, बिना मांगे तो कोई नहीं देता। तो आपकी वो 6 देवियाँ यही काम करती हैं, जैसे तुमने सोचा पूर्ण संकल्प कर लिया तो वही चीज़ आपके कदमों में लाके वो डाल देंगी। जैसे कोई अपराधी अपराध करके आता है तो उस टाइम वो भाग जाता है, लेकिन वो यही सोचता रहता है कि मैं पकड़ में आ जाऊँगा, मैं पकड़ में आ जाऊँगा, तो वे 6 देवियाँ उसको पकड़वाई देती हैं। अगर वो ये सोच ले कि मैं कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, ये बात जान लो आप। हमेशा 6 देवियाँ आदमी के साथ चलती हैं, साथ रहती हैं, साथ सोती हैं,
और वो जो सोचता है वही होता है। तो सोच को ऊंची रखो, आप गरीब हो लेकिन अमीर होने के सपने देखो, तुम राजी तो हो जाओ कि मुझे अमीर होना है। सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो वो छह देवियाँ पहले वो काम आपके लिए ही करेंगी। कहते हैं कि दूसरों को जो कुआ खोदता है पहले उसको खाई तैयार मिलती है। तो सबके लिए अच्छा सोचो तो तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने सोचा कि वो पड़ोसी का बुरा हो जाए, तो पहले वो छह देवियाँ सोचेंगी कि भाई ये तो बुरा करना चाहता है। उनको ये पता नहीं है पड़ोसी का करना चाहता है कि अपना करना चाहता है, तो पहले वो तुम्हारा ही बुरा कर देंगे। इसलिए सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। पड़ोसी के धन हो जाए, पड़ोसी के भी लक्ष्मी आए, पड़ोसी के लड़का हो जाए, पड़ोसी के लड़के की शादी हो जाए, इस तरह आप सोच रखो तो देखो आप अपने आप धनवान हो जाओगे। और कभी गरीब होने के सपने मत देखो, हमेशा ऐसे सपने देखो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बन चुका हूँ। तो वो देखो छह देवियाँ ये काम करेंगी कि आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगी कि आप अमीर होते चले जाओगे। ये काम एक दिन में नहीं होता, ये काम साल दो साल अच्छी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच रखोगे तब होगा। ये नहीं कि आपने एक दिन सोच लिया बस हो गया। तो मैं आपको ये रहस्य बताती हूँ, हर इंसान के पास छह देवियाँ रहती हैं। माता ने ओरिजिनल हर आदमी के साथ रखी हैं। आदमी सोचेगा कि अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो उसका एक्सीडेंट निश्चित है। पर बुरी मत, ना तो बुरा सोचो ना कहो, बुरा कहोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा कहोगे तो अच्छा ही होगा। ये दुनिया एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष को ये छह देवियाँ हैं जो सार्थक करती हैं। इसलिए आज से पल्ले गांठ बांध लो, ना तो बुरा सोचना ना बुरा कहना ना किसी के लिए कहना। बस अब लंबी वीडियो बहुत हो जाएगी, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ कहने को है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए धन्यवाद, राम राम, आपने मुझे सुना।